अहीर समाज पर विवादित टिप्पणी सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का पीछा नहीं छोड़ रही है। यदुवंशी समाज में ओम प्रकाश राजभर के बयान से नाराजगी है। मैनपुरी पहुंचे नेता शिवपाल सिंह यादव से पत्रकारों ने चर्चा में रहने वाले सुभाषपा प्रमुख की विवादित टिप्पणी पर सवाल पूछ लिया। बस क्या था, उनके तंज भरे जवाब सुनकर मौके पर मौजूद लोग हंसी नहीं रोक पाए। चुटकुले अंदाज में शिवपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर पर करारा वार कर दिया। शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा वो आपको बताएं, उससे पहले ओम प्रकाश राजभर का वो बयान देख लीजिए। दरअसल 18 अगस्त को फतेहपुर में अखिलेश यादव ने बुलडोजर कार्रवाई पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पुलिस वालों को ऑर्डर दिया जा रहा है कि 2 मंजिले वाले घर गिराओ, गरीब के घर गिराओ, लेकिन जब समाजवादी लोग सरकार में आएंगे तो वही बुलडोजर होगा, पर वो गरीब के घर पर नहीं चलेगा बल्कि 8 मंजिला और 10 मंजिला इमारत पर चलेगा। अखिलेश यादव के इसी बयान पर ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार किया था। ओपी राजभर ने कहा था कि ये लोग क्या बात करेंगे, ये राजभर का हिस्सा लूटेंगे, पाल चौहान प्रजापति का हिस्सा लूटेंगे, ये दूसरे की क्या बुद्धि खोलेंगे, पहले अपनी बुद्धि खोल ले, अहीर को बुद्धि 12 बजे के बाद आती है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, लोग कहते हैं, पूर्वांचल में यह कहावत है। ओम प्रकाश राजभर ने इसके आगे कहा कि सपा का पिछड़ा सम्मेलन लोगों को गुमराह करने के लिए हो रहा है, जब ये सरकार में थे तब तो पिछड़े का ख्याल नहीं आया और अब उनकी बात कर रहे हैं। अब इसी अहीर वाले बयान को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने क्या कुछ कहा है वो आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, तो उनको वो बात याद कर लेना चाहिए, उन्होंने एक बार कहा था कि यादव लोग जब पीटते हैं ना तो रोने नहीं देते हैं, बस इतना याद रख। घोसी चुनाव को लेकर के प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जमानत बचाने के लिए लड़ रही है और अपनी जमानत नहीं बचा पाएगी। 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, जब 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो सफाई यहाँ से भाग जाएगा। देखिए, कल रिजल्ट आएगा और हम भी कल वहाँ पर रहेंगे काउंटिंग में, और काउंटिंग में आएंगे तब पता लग जाएगा, और समाजवादी पार्टी वहाँ बड़े भारी बहुमत से जीत रही है। लगातार विपक्ष सोच रहा था कि मायावती जी सन में आएंगे इंडिया के, लेकिन कल उनके बयान के बाद क्या लग रहा है? अब उनके बारे में तो आप लोग सब। बहरहाल, आपकी इस खबर पे क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।